हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। इसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे हर बार की तरह, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू टेल मी योर स्कोर्स। दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, एंड आप बाकियों के भी स्कोर देख सकते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको और कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज इज सुटेबल इंडिकेटर व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से कौन सा इंडिकेटर सुटेबल है जब सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिक्स किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ। ऑप्शंस हैं मिथाइलिन ब्लू, मिथाइल रेड, फिनोप्टिलीन या मिथाइल ऑरेंज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक पीएच इंडिकेटर है जो ज़्यादातर टाइट्रेशन में यूज़ होता है, और जब एसिड यूज़ होता है इसके लिए तब मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्योर मैटर। इसमें से कौन सा चीज़ जो है वो प्योर मैटर है आपको बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रास, एयर या आयरन। आई होप यू आर अटेम्प्टिंग विद मी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्योर जो मैटर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी सब्सटेंस की जो फिजिकल एंड केमिकल पोर्शन है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इफ़ यू वांट यू कैन पॉज एंड रीड दिस। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कोल कंटेन 90% ऑफ कार्बन। इसमें से कौन सा कोल है जिसमें 90% ऑफ कार्बन कंटेंट है, एंथ्रेसाइट्स, ब्यूटामिन, लिग्नाइट या पीट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट। जो पीट होता है इसको सबसे बेकार क्वालिटी या कंटेंट का माना जाता है कोल, और सबसे बेस्ट जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, और ब्यूटामिन आपको पता होगा रोड मेकिंग में यूज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर, बॉक्साइट इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। बॉक्साइट इसमें से किसका अलॉय है, एल्युमिनियम, सिल्वर, टिन या आयरन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। दिस इज वेरी इजी, या गलत नहीं होना चाहिए आपसे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ। किस चीज़ का सस्पेंशन होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ। क्वार्ट्ज किससे बना होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड। इसमें से कौन सा पेस्टिसाइड है जिससे ओजोन की डिप्लीशन होती है, डीडीटी, बेंजीन, मिथाइल ब्रोमाइड या इथिलीन ओजोनाइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिथाइल ब्रोमाइड। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट एंड टेल मी, फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन, गैल्वनाइज्ड आयरन इज मेड बाय कोटिंग आयरन विद। गैल्वनाइज्ड आयरन कैसे बनता है, आयरन पे किस चीज़ की कोटिंग की जाती है, जिंक की, निकल की, क्रोमियम की या सल्फर की। करेक्ट आंसर इज जिंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन, विच इज अबैंडेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस में इसमें से क्या अबैंडेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। अगेन बहुत इजी है,
करेक्ट आंसर इज मीथेन, ऑप्शन बी। ऑल्सो ये जो गोबर गैस होता है इसको बायोगैस भी बोला जाता है, पता है ना, और ये गांव वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे एनिमल डंक इजीली अवेलेबल होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द एलिमेंट दैट इज़ इन द हाइएस्ट परसेंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ की कॉम्पोजिशन में कौन सा एलिमेंट है जो हाइएस्ट परसेंट में है, सिलिकन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या आयरन। तो जैसा कि क्वेश्चन में एलिमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, तो अर्थ के जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा सिलिकन पाया जाता है, लेकिन अर्थ बोला है ओवरऑल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवरऑल, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा देखा जाता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक है, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका या यूरोप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। ओजोन होल जो है ये किसकी वजह से होता है, जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से थिनिंग हो जाती है लेयर की, तो एक वहाँ पे होल जैसा बनते जाता है जिसको ओजोन होल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए, increase in the average global temperature in recent years, higher rate of photosynthesis, checking the penetration of ultraviolet ray to the earth, supplying oxygen for people traveling in jet। किस चीज़ के लिए responsible है ये। Correct answer है option C, checking the penetration of ultraviolet rays to the earth। ओजोन इसी चीज़ से मदद करता है ना हमारी कि अल्ट्रा वायलेट्स रे आए ना, ठीक है, यूवी रेडिएशन अगर ज़्यादा आने लगेगी तो स्किन कैंसर्स एंड बहुत सारी बीमारी होने लगेगी। अगला है, द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज, डिटर्जेंट सोप से बेटर होता है, क्या एडवांटेज है ये बताना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, डिटर्जेंट आर सॉलिबल इन वाटर, डिटर्जेंट पानी में घुल जाता है, डिटर्जेंट कुड नॉट गिव मच लादर, डिटर्जेंट ज़्यादा झाग नहीं देता, डिटर्जेंट गिव लादर इवन विद हार्ड वाटर, डिटर्जेंट झाग देता है चाहे वो पानी हार्ड वाटर क्यों ना हो, सोप गिव लादर वेन ओनली सॉफ्ट वाटर, सोप लादर देता है ओनली सॉफ्ट वाटर में, तो क्या एडवांटेज है डिटर्जेंट का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिटर्जेंट गिव लादर इवन विद द हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स आर, न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स, किसकी वजह से होता है, बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसका ऑपोजिट होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एंड इसमें एलिमेंट ऑक्सीडाइजेशन में जाता है एंड इसमें रिडक्शन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, द लॉन्ग रेंज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डिपेंड ऑन इट्स रिजर्व ऑफ, इंडिया का जो लॉन्ग रेंज पोटेंशियल न्यूक्लियर एनर्जी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसमें से थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या रेडियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। इंडिया में यूरेनियम पाया जाता है और जो लॉन्ग रेंज या जो भी प्लांट्स लगाते हैं हम न्यूक्लियर पावर का, वो बेसिकली डिपेंड होता है यूरेनियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल इफ्यूज आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली, कौन सा गैस है, इफ्यूज मतलब होता है जल्दी से निकल जाना, कौन सा गैस निकल जाएगा, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैज़ हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट। कौन से अल्कली मेटल का इसमें से हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट है। सो स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है, हीट प्रॉपर्टी और उसकी टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है किसी ऑब्जेक्ट की और देखते हैं कि उसका रेजिस्ट कितना है हीट फ्लो को लेके, तो उसी को स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। तो किस इसमें से किसका हाइएस्ट होगा ये पूछा हमसे, शीशियम, रुबीडियम, पोटाशियम या लिथियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लिथियम। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑल कार्बन एटम आर क्वार्टनरी इन नेचर। कौन से सब्सटेंस है इसमें से कार्बन जिसमें सारे कार्बन एटम क्वार्टनरी होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, टेफ्लॉन या नैप्थिलीन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डायमंड। डायमंड में सारे जो कार्बन एटम होते हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है डायमंड एंड वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और वो क्वार्टनरी इन नेचर होता है। ओके अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डाई। इसमें से कौन सा नेचुरल डाई है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्रिस्टल वॉयलेट, एनिलिन ब्लू, एलिजारिन या फिनोफ्थलीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 80 कैरेट गोल्ड इज। रेशियो कितना होता है प्योर गोल्ड का 18 कैरेट गोल्ड में, 60%, 75%, 80% या 90%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 75%। 75% उसमें प्योर गोल्ड होता है एंड बाकी जो 25% होता है उसमें कॉपर, सिल्वर एंड बाकी जो मेटल्स होते हैं वो सब मिक्स रहते हैं। नेक्स्ट 23, डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज। डायमंड हार्डर होता है ग्रेफाइट से क्यों, डिफरेंस इन लेयर ऑफ एटम, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या नन ऑफ दीज। सो बेसिकली कार्बन जैसे अभी मैंने बताया डायमंड में क्या होता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का होता है एंड उसी तरीके से ग्रेफाइट में भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बट वो हेक्सागनल स्ट्रक्चर का होता है, तो ये स्ट्रक्चर के वजह से इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बायोमीथेन। बायोमीथेन मीन्स गोबर गैस या बायोगैस। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है हमसे पूछा है, 20-30%, 30-40%, 40-50% और 50-60%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 30-40%। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव। इसमें से कौन सा एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या जिरकोनियम। तो जो जिरकोनियम है ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है ये आपको पता होगा ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो न्यूक्लिया होता है वो अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से वो हमेशा एटॉमिक रेडिएशन देता रहता है। और वो क्यों देता है ऐसा एटॉमिक रेडिएशन, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी पे आ सके। या आपने केमिस्ट्री के रिग्निंग के चैप्टर्स में कि जो सारे एटम्स होते हैं उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, उसकी वजह से या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं गेन करते हैं, उसी तरीके से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो भी यही करते हैं, पर यहाँ पे हमसे नॉन रेडियो एक्टिव पूछा था। नेक्स्ट है 26, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। कौन सी गैस है जो आर्टिफिशियली राइपनिंग के लिए यूज़ की जाती है, जैसे जो फल होते हैं वो कच्चे होते हैं, ठीक है, उनको पका के बाजार में बेचना होता है, अभी आम का सीज़न है तो जो पहले अगर शॉप में लेकर आएगा आम तो लोग उससे जल्दी खरीदेंगे, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कच्चे फल तोड़ लेते हैं एंड उसको आर्टिफिशियली राइप करते हैं, तो वो कौन सी गैस की मदद से होता है, इथाइलिन, एसिटिलिन, ईथेन या मीथेन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इथिलीन। ठीक है, एसिटाइलिन भी यूज़ होता है लेकिन इथिलीन ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, What is the element required for solar energy conversion? Solar energy को convert करने के लिए कौन सा इसमें से element required होता है ये पूछा है, beryllium, tantalum, silicon
या अल्ट्रा प्योर कार्बन? लिखो करेक्ट आंसर आपको जो भी लग रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। सिलिकन सोलर सेल्स ये रिक्वायर्ड होते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द लोएस्ट पोर्शन ऑफ वॉलेटाइल मैटर? इसमें से कौन से टाइप ऑफ कोल का लोएस्ट पोर्शन है वॉलेटाइल मैटर का? लिग्नाइट, पीट, ब्यूटिमिनस या एंथ्रेसाइट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 29। वट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaNO2। सोडियम नाइट्रेट का एंड सोडियम नाइट्राइड का NaNO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। सैक्रिन इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? टोलुइन, फिनॉल, प्रोपेन या ब्यूटेन? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, टोलुइन। सैक्रीन क्या होता है? सैक्रीन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ठीक है, उसी को सैक्रीन बोला जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है? उसको नॉन न्यूट्रिटिव शुगर भी बोलते हैं, बिकॉज उसमें कैलोरीज या कार्ब्स नहीं होते। तो जो जिन लोगों को शुगर होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या जिन लोगों को अपना फैट कम करना होता है, तो वो ऐसा शुगर खाते हैं जिसमें कैलोरीज या कार्ब्स ना हो। नेक्स्ट इज PVC इज ऑप्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। PVC किसके पॉलीमराइजेशन से ऑप्टेन किया जाता है? प्रोपेन, विनाइल क्लोराइड, स्टाइरीन या एसिटिलीन? दिस इज क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से बताओ इसका आंसर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इसके तो नाम में ही था, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो अगर फास्ट लग रही है तो पॉज करके ट्राई करो, लेकिन प्लीज़ ट्राई करो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप देख रहे हो, उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल डू नॉट कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड? इसमें से कौन सा वेजिटेबल ऑयल है जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं होते? एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स नहीं होते। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में एसेंशियल विटामिन होते हैं, विटामिन ई होता है स्पेसिफिकली, लेकिन उसमें फैटी एसिड नहीं देखा जाता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट डीप ब्लू कलर इन द ग्लासेस? ग्लासेस में डीप ब्लू कलर कौन देता है? जैसे हमें कुछ ग्लास का कुछ और बनाना होता है जो सफ़ेद रंग का ना हो, तो उसमें कलर डालते हैं, तो इसमें से कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे हम? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या निकल ऑक्साइड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड बहुत ही इंटेंस होता है, इसको थोड़ा सा भी कलर अगर डालो तो ग्लास ब्लू कलर की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैच फायर्स ईजिली? कौन सा फाइबर है जो जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है? नायलॉन, कॉटन, रेयन या टेरी कॉटन? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कॉटन। आपने नोटिस भी किया होगा, घर में अगर हम लोग दिया वगैरह चलाते हैं तो उसमें हम कॉटन की बत्तियाँ रखते हैं, ठीक है, उससे आग चलती है। तो वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो कॉटन होता है उसमें सबसे जल्दी आग लग जाती है। नेक्स्ट है 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फिलर इन द टायर ऑफ रबर? रबर की जो टायर होती है उसमें फिलर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑप्शन आर कार्बन ब्लैक, कोल, कोक या ग्रेफाइट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक और एमॉर्फस सिलिका यूज़ किया जाता है रबर टायर में एज अ फिलर।
क्यों ये डालते हैं रबर टायर में हम लोग कार्बन ब्लैक या एमोफस सिलिका क्यों डालते हैं, क्योंकि कार्बन ब्लैक और एमोफस सिलिका डालने से उसकी हीट रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिससे टायर फट के आग वाग ना लगे। ठीक है, काफ़ी टाइम आपने देखा होगा टायर फट जाती हैं, तो उस ये सब ना हो उसको अवॉइड करने के लिए डाला जाता है, और टायर की जो लाइफ है वो भी लंबी हो, नहीं तो हर थोड़े थोड़े दिन बाद टायर ख़राब हो जाएगी, लोगों को टायर चेंज करवाना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज़ यूज इन मेकिंग मैग्नेट, मैग्नेट बनाने में कौन सा एलॉय यूज होता है। ऑप्शन आर ड्यूरालमोनियम, स्टेनलेस स्टील, एलनेको ए होगा ये, या मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर इज एलनेको। एलनेको क्या होता है, जैसे कि बोला एलॉय होता है, ठीक है, किस किस का एलॉय होता है, तो AL से याद रखना है, AL से एलमोनियम, NI से निकल, फिर इसमें कोबाल्ट और आयरन होता है, ठीक है, ये चार चीज़ें होती हैं, इसका ये एलॉय होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, मिल्क टेस्ट सोर व्हेन इट इज़ लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, दिस हैपन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है अगर हम उसको खुले में छोड़ देते हैं, तो ये किस चीज़ की वजह से होता है, उसमें क्या फॉर्म होने लग जाता है दूध में जिसकी वजह से वो खट्टा टेस्ट होने लगता है। दही ऐसी बनती है ना, अगर कभी आपने घर पे नोटिस किया होगा, दही कभी भी फ्रिज में रख के नहीं जमाते, दही अगर जमानी होती है तो उसको बाहर ही छोड़ते हैं हम हमेशा, तो क्या होता है इसमें, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। सो वेरी इजी, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38, द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में पॉलीथीन की मैन्युफैक्चर करने के लिए इसमें से किस चीज़ का पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, मीथेन, स्टाइरीन, एसिटिलीन या इथाइलीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इथाइलीन। सो वहाँ से आप गैस वर्क भी कर सकते थे कि पॉली इथिलीन जब वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसमें इथिलीन भी आ रहा है, तो इथिलीन की पॉलीमराइजेशन होके पॉलीथीन बनता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मटीरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर, कौन से केमिकल का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। नेक्स्ट इज नंबर 40, एस्पिरिन इज, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन बेसिकली तो एक दवाई होती है, बट उस दवाई का कंटेंट या केमिकल उसमें क्या होता है ये पूछा हमसे, मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, फिनाइल सैलिसिलेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, क्लाउड इज अ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ, ऑप्शंस आर एयर इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, फॉग इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, मिस्ट इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर, वाटर ड्रॉप्स इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाटर ड्रॉप्स इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम वैक्स, इसमें से कौन सा पेट्रोलियम वैक्स है, बी वैक्स, नेक्स्ट इज कारनाबा वैक्स, ये आर होगा इधर, पैराफिन वैक्स या जोजोबा वैक्स। करेक्ट इज ऑप्शन सी, पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। 44, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इसमें से कौन सा आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म है, स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन या रॉट आयरन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रॉट आयरन, इसमें अराउंड
0.12 to 0.25% तक ही कार्बन होता है, इसलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमैलगम विद अदर मेटल। कौन सा इसमें से मेटल है जो एक अमैलगम फॉर्म करता है दूसरे मेटल्स के साथ, लेड, टिन, जिंक या मर्करी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मर्क्यूरी। 46, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कंटेन। जो डिटर्जेंट्स कपड़े साफ़ करने के लिए और बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फोनेट्स एंड ऑप्शन डी इज बिस्मथेट्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सल्फोनेट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। स्मोक बॉम्ब्स बनाने के लिए इसमें से क्या यूज़ किया जाता है, सल्फर, फॉस्फरस, हाइड्रोजन या कार्बन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन। कार्बन यूज़ किया जाता है स्मोक बॉम्ब्स बनाने के लिए। स्मोक बॉम्ब क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल बहुत ही ऐसे कलर कलर के स्मोक बॉम्ब्स आते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग कलर होते हैं, आप उसको इग्नाइट करो मतलब जलाओ तो उसमें से धुआं निकलने लगता है डिफरेंट डिफरेंट कलर का। फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है, समटाइम प्रोटेस्ट जब करते हैं लोग तो उसमें भी स्मोक बॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है, पुलिस के साइड से या किसी और साइड से भी, दूसरे साइड से वो लोग फेंक देते हैं, वहाँ पर पूरा धुआं हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए स्मोक बॉम्ब यूज़ होता है। नेक्स्ट इज जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है, कॉपर, निकल एंड सिल्वर, सिल्वर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जिंक कॉपर एंड निकल, जिंक सिल्वर एंड कॉपर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक कॉपर एंड निकल। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, अ मेटल इज एक्सपोज्ड इन द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, इट बिकम कोटेड विद अ ग्रीन कार्बोनेट, द मेटल मस्ट बी। एक मेटल है जिसको हमने एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस मेटल पे ग्रीन कार्बोनेट की कोटिंग हो चुकी है, वो मेटल क्या होगा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम या जिंक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर जो होता है उसको अगर जैसे मॉनसून या बारिश वगैरह का जब टाइम आता है, ठीक है, तो एक्सपोज होने पे उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा करोजन होने लग जाता है। इट बेसिकली फॉर्म्स एन हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ओके, सो दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन, लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 50। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू ऑन इट। Thanks for watching guys, see you all in the next video.